भारत और दक्षिण कोरिया की स्वतंत्रता दिवस की तिथियां एक है यानी 15 अगस्त। वर्तमान में भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों देश G20 समूह के सदस्य हैं। अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को G20 समूह की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस वर्ष G20 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। यह भारत के प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हमें जोड़ती है। पूरी दुनिया में जब भी मैत्री और करुणा की बात होती है, विश्व मानवता भगवान बुद्ध का स्मरण करती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यही बात पूरी मजबूती के साथ कही कि दुनिया ने दुनिया के कुछ देशों ने विश्व मानवता को भले ही युद्ध दिया हो, लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। विश्व भर के बौद्ध समाज के लिए भारत इसीलिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण स्थल यहां पर अवस्थित हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन को 2/3 हिस्सा उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया था। वाराणसी के समीप स्थित सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में सर्वाधिक 25 वर्षावास हमारे सन्यासियों की परंपरा में वर्षा काल में जो 4 मास होते हैं वो चातुर्मास के रूप में माने जाते हैं, और वे चातुर्मास भगवान बुद्ध ने 25 चातुर्मास श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। उनकी महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती, कपिलवस्तु, देवदह, कुशीनगर, संकिसा, देवगढ़, ललितपुर, अईछत्र, बरेली, कौसाम्बी, ये सभी बौद्ध आस्था के पावन स्थल हैं। इन सभी बौद्ध स्थलों के केंद्र में प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ चारों तरफ से भगवान बुद्ध के आभामंडल से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकारी स्तर पर संचालित इतना विशाल बुद्ध विहार शांति उपवन बुद्ध विहार है।